नमस्कार दोस्तों, आज 9 अगस्त 2022 दिन मंगलवार। दोस्तों जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या कुछ बाजार चला। दोस्तों ये जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की बोरी के रेट है। यहाँ दोस्तों जो भी रेट होता है वो 50 किलो की बोरी का रेट है। प्याज में जो रेट होता है वो 40 किलो का रेट है। जान लेंगे आज का भाई साहब के पास क्या कुछ रेट चला, मंडी में कितनी गाड़ियाँ आई, क्या आज की रिपोर्ट है। सर जी नमस्कार जी। सर जी आज का कैसा बाजार जी, कितनी गाड़ियाँ आई मंडी में, क्या हाल चल रहा है जी आज? 92 गाड़ी की अरेवल है जी। हाँ जी, जिसमें 29 गाड़ी जो है कल की खड़ी है। अच्छा जी, 50 गाड़ी कोल्ड स्टोर है और 29 गाड़ी जो है चिप सोने की है। अच्छा जी, 6-7 गाड़ी लाल की हैं, ऐसे मिला के हैं। चलो बैलेंस कम हुआ है जी फिर कुछ? हाँ बैलेंस कुछ कम हुआ है, कुछ फड़ चौड़े हो गए हैं, नीचे उतर गया है। अच्छा जी, अच्छे हाल में थोड़ी बिक्री है। अच्छा, त्यौहार की बिक्री है जी। हाँ जी, रक्षाबंधन का त्यौहार सिर पे है। अच्छा जी, तो इसलिए जो है देखो बिकता तो है ही आलू। सावन हाँ का महीना है, लोग बाग जो है फल सब्जी पे ज़्यादा जोर रहता है। हाँ जी, बाकी थोड़ा बाजार टूटा है, सही है। 37-97 जो बढ़िया आलू है वो 800-850। ये कहाँ वाले जी? ये अलीगढ़ इगलास सासनी। अच्छा, जो बढ़िया है एक नंबर के। अच्छा जी, जो चलन सार है वो 750-750। अच्छा, ये देखो 800 रुपए की बिकी है ये। ये 800 का, 800 का बिका है, सासनी का है। अच्छा जी, अच्छा। और जो चंदोसी के चिप्स होने आ रहे हैं, हाँ जी, वो एक आध गाड़ी बिकती है 1000 रुपए की, कोई बिक गई पूरी मंडी में, नहीं तो ज्यादातर बाजार 900-950, बहुत बढ़िया हो तो 950। अच्छा जी, एक आध गाड़ी को रात को उठ जाएगी, सुबह सुबह उठ गई 1000 रुपए का भाव ठोक देते हैं, बिल्कुल एक्स्ट्रा आई, उसी का आड़ती भाव बता देते हैं। अच्छा, एक्चुअली में भाव 950-950 का। अच्छा जी, अच्छा, गुल्ले 800-850 रुपए। अच्छा जी, अच्छा, बाकी आम आलू जो है 700-750-750। हाँ जी, एक्स्ट्रा सुपर 2-4-5 गाड़ी 800-850। अच्छा जी, ये है। और ये सूर्या जी? सूर्या जो है 1000 रुपये, 1050, 1020 बिक रहे हैं चंदोसी के, जो बोरियों में आ रहे हैं। हाँ जी, और जो आ रहे हैं तुम्हारे जूट इधर अलीगढ़ आगरे के, वो जो है बिक रहे हैं 900-950। अच्छा जी, अच्छा, तो आज कल के मुकाबला बिक्री में दम खम है जी कुछ? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है, वही नॉर्मल बिक्री चल रही है, 90-92 गाड़ी की आमदनी है। हाँ जी, फिर कोई खास बात नहीं है, बाकी ये है कि कोई खास बैलेंस नहीं है, बिक्री ठीक है, बिक जाता। अच्छा जी, बहुत कोई अच्छी नहीं कह सकते, मैं चलनसार है नॉर्मल बिक्री। अच्छा जी, सर जी ये उम्मीद जताई जा रही कि 15 अगस्त के बाद जोन सा 100-150 रुपये जो भी बाजार टूटा पिछले हफ्तों में, भी दोबारा अपने स्टैंड पे आ जाएगा जो पीछे बाजार गया जी। देखो ऐसा होता है जैसे 100-200 रुपये टूट गए। हाँ जी, 200 के बाद 50 उठे आए तो जरा अच्छे लगते हैं किसान को कि हाँ जी 50 उठ गए, तेजी आ गई। अच्छा जी, वही बात है, 200 रुपये के करीब 150-200 रुपये टूट गए हैं। हाँ जी, अब ऐसी तो है नहीं कोई, थोड़ा बहुत 25-50 उठेंगे। हाँ जी, और उसमें फिर किसान निकालता रहेगा, निकालना भी चाहिए। अच्छा जी, इसको निकालने में फ़ायदा है, बाकी बाजार तो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा जी, अच्छा, थोड़ा होगा, ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत बाजार ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, क्योंकि मंदी भी जो है तो 20-50 रुपये का उछाल आएगा, त्यौहार की बिक्री है, ज़्यादा नहीं आएगा। अच्छा जी, थोड़ा बहुत ही है। चलो ज़्यादा नहीं भी आए, जो बैलेंस माल है साफ हो जाए जी, सब्जी है 25-50 रुपये ऊपर नीचे तो चलेगी जब भी बिकेगी। हाँ जी, हाँ जी, फिर बाजार तो रह नहीं सकता सब्जी का। हाँ जी, हाँ जी, कच्चा माल है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, कभी कोई त्यौहार आ गया, किसी दिन छुट्टी, किसी दिन बरसात है, आलू को सब्जी है, इसको निकालते रहना चाहिए, हर भाव में बेचना चाहिए जी। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा जिसके पास जैसा स्टॉक है उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा बेचते रहना। हाँ, जेब गर्म करते रहो जी, बस तेरा भाव है, इसको भुनाते रहो। हाँ जी, और सही रहता है। धन्यवाद सर जी जानकारी देने के लिए। दुकान का एड्रेस ही, मोबाइल नंबर? अशोक आलू कंपनी। हाँ जी, 291 सब्जी मंडी जातपुर। हाँ जी, 9810053673। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी जानकारी का, धन्यवाद साहब। दोस्तों सब आढ़तियों का आप अपना तजर्बा होता है, आजकल सब आप जितने भी किसान हैं, व्यापारी हैं, सब अपने ही जुगत लगाओ, अपने हिसाब से माल बेचो, जैसा जहां पर आपको अच्छा लगे कि माल निकालना नहीं निकालना, कब निकालना, सब आपके पास सुविधा है, सारी जगह के आपके पास हिंदुस्तान के रेट हैं, अपने हिसाब से बेचते रहो माल को, चलाते रहो बाजार को।